1484 में आज के दिन हिंदी के महान कवि संत सूरदास का जन्म हुआ। 1625 में आज के दिन हॉलैंड और इंग्लैंड के बीच सैन्य संधि पर हस्ताक्षर हुए। 1898 में आज के दिन बेलूर मठ की स्थापना हुई। 1910 में आज के दिन फ्रांसीसी सेनाओं ने मोरक्को के बंदरगाह शहर अगादीर पर कब्जा किया। 1913 में आज के दिन भारत की प्रथम महिला फोटो पत्रकार होमाई व्यारावाला का जन्म हुआ। होमी अपने लोकप्रिय उपनाम डाल्टा 13 से मशहूर रही हैं। होमी को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हुए साल 2011 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1931 में आज के दिन जापानी सेना ने चीन के जेहोल प्रांत पर हमला किया। 1941 में आज के दिन चीन ने जापान, जर्मनी और इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1946 में आज के दिन संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई। 1946 में आज के दिन प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ सोनिया गांधी का जन्म हुआ। 1992 में आज के दिन प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस डायना ने अलग होने की औपचारिक रूप से घोषणा की। 2002 में आज के दिन जॉन स्नो अमेरिका के नए वित्त मंत्री बने। 2006 में आज के दिन पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता युक्त मध्यम दूरी की प्रक्षेपास्त्र हत्फ 3 गजनवी का परीक्षण किया। 2007 में आज के दिन प्रगतिशील काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि त्रिलोचन शास्त्री का निधन हुआ।